नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह, ऑल इंडिया बाइक टूरिस्ट। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी का और पेज से जुड़े हुए या फिर ग्रुप से जुड़े हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस नाचीज़ को जो है वो मौका दिया अपनी बात कहने का, अपने साथ जोड़ने का, अपने अनुभवों को साझा करने का और अपने उद्देश्यों को लोगों तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया। तो जन सरोकार मंच का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, 26 जुलाई को मैंने ये यात्रा और उसके बाद जो है पीछे मुड़ कर के मैंने नहीं देखा। तमाम लोगों से एक बार मैं पूछना चाहूँगा, वो पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, वो ज़रूर एक बार अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताने का कष्ट करें। तो 26 जुलाई को मैंने इस यात्रा को शुरू किया। हालांकि उस दिन कारगिल विजय दिवस था, बाद में मुझे एक या दो दिन के बाद पता चला, परंतु ऐसा कोई मैंने तय नहीं किया था कि कब मेरे को ये यात्रा शुरू करनी है। मुझे इतना भर था कि मैं जनता के बीच में जाना चाहता हूं और जनता के बीच में जा कर के कुछ मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूं। लगातार घर वालों से इस बार जद्दोजहद थी, परंतु उनकी तरफ से लगातार था कि कोरोना जैसी महामारी उसके अंदर किसी तरीके का रिस्क लेना वो ये ना जाया जाए। तो मैं जब उनकी दलीलें इस तरीके की आती थी तो फिर मैं असहाय अपने आप को महसूस करता था। परंतु जब अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हुआ तो मुझे एक तरीके से एक बहाना मिला। जो भी अमिताभ बच्चन जी का रहा होगा कि कोरोना के को बताने के बारे में, कि ताकि लोगों के अंदर खौफ आए और वो जो है अपने घरों के अंदर ही रहें, परंतु मैंने उसको दूसरे तरीके से लिया कि अगर अमिताभ बच्चन जी को कोरोना हो सकता है तो मुझे कोरोना होना बहुत आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को मार्केट में या फिर कहीं पे भी कोई सामान खरीदने नहीं जाना पड़ता, परंतु मेरे को वो सारी चीज़ें करने जाना पड़ता है और आम आदमी को, सभी को ऐसा ही करना पड़ता है। तो अमिताभ बच्चन के बसरते हमें कोरोना होना आसान है। दूसरा, मीडिया ने एक मेरे को इस यात्रा पे निकलने में सहयोग किया कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को लगातार दिखाया कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। परंतु मैंने घर वालों को कहा कि अगर मुझे कोरोना होता है तो निश्चित तौर पे जब मुझे एक कमरे के अंदर बंद और एक कमरे के अंदर जब बंद किया जाएगा तो फिर मैं उस कमरे के अंदर नहीं रह सकता हूँ इस तरीके से अकेला। तो इस तरीके की जब मैंने दलीलें दी तो हल्की सी उनकी हाँ की हामी में जो है गर्दन हिली। तो मैंने, क्योंकि मेरा लैपटॉप वाला बैग और मेरा कपड़ों का बैग पहले से ही तैयार था, और मैंने उठाया और मैं इस यात्रा पे निकल लिया। तो रोहतक से मैंने ये यात्रा 26 जुलाई को शुरू की। आज मैं 64वें दिन में हूँ और इस दौरान जो है मैंने दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान के अंदर मैं ये सफ़र अपना आगे बढ़ा रहा हूँ। तरीके से लगभग जो है ये 11 स्टेट मैंने कवर किए हैं और इसके पीछे दो तरीके का मकसद मेरा रहा इस यात्रा के, कि एक तो मुझे सीखना था, समझ, जैसा भारत बताया जाता है, जैसा शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जाता है, क्या वाकई में हमारा देश ऐसा ही है? जो दिक्कतें हैं लोगों की, वो जनता की, वो दूर हो चुकी हैं या फिर अभी भी वो बनी हुई हैं? अगर हैं तो वो किस तरीके की हैं? इसके साथ साथ मुझे वहाँ का पारंपरिक और कल्चरल क्या किस तरीके के हालात हैं, की परिस्थितियाँ हैं, वो चाहे खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, वो चाहे पहनावा हो, या फिर उसके साथ साथ जो है किस तरीके की उन के लोगों की सोच है या फिर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन तमाम चीज़ों को मैंने इस दौरान जो है सीखने और समझने का एक प्रयास किया। इसके अलावा मुझे कुछ मुद्दे तय किए जिन पे मुझे बात करना था। मुझे जो बात करना था वो मुद्दे थे, फर्स्ट जो मेरा स्लोगन मैंने रखा वो था नो सुसाइड फाइट फॉर लाइफ। इसको मैं अगर थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो मैंने कहा कि कोरोना जो है वो लास्ट बीमारी नहीं है, इसके बाद भी जो है बहुत सारी बीमारियां आएंगी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एक तरीके से शैतान का रूप ले चुका है, वो प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, जंगल के जंगल जो है वो नेस्ताबूत कर दे रहा है, उन्हें ख़त्म कर रहा है अपने स्वार्थों के चलते।
जब प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रकृति भी उसका कमबैक देगी, चाहे वो प्रलय के माध्यम से दे, चाहे वो तूफान के माध्यम से दे, चाहे वो अन्य किसी भी तरीके की चीज़ हमारे को दे करके, जैसा हम प्रकृति के साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे ही प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरीके से करके मैंने कहा कि कोरोना लास्ट नहीं है, इसके बाद भी डिजीज आएंगी, इसलिए जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उन्हें मेंटली और जो है वो मजबूत होना होगा। क्यों? इसके पीछे, स्लोगन के पीछे एक चीज़ ये भी थी कि जब ये कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, तब मल्टीनेशनल कंपनीज में या फिर जो है बड़े स्कूल कॉलेजेस में जो प्राइवेट हैं वहाँ पे नौकरी करने वालों की बड़े पैमाने पे जॉब गई। जब उन्हें अपने ईएमआई या फिर जो है हाउस रेंट या अन्य जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो जब नज़र आए तो उन्होंने सुसाइड की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने एक तरीके से यह स्लोगन लेके आया कि मैं इस पर बात लोगों के साथ करूँ, तो इस तरीके से मैंने इस स्लोगन को लेकर के गया हूँ। दूसरा स्लोगन मैंने रखा वो था, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गुणवत्ता परक वह सिर्फ सरकार, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये कोई बाज़ार से खरीद के खाया जाने वाला पिज्ज़ा, बर्गर या टॉफ़ी नहीं है कि आपकी जेब में पैसा है तो आप खरीद के खा लो वरना। परंतु आज की जो हमारी सरकारें हैं वो एक तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों से पल्ला झाड़ चुकी हैं, बाजार की वस्तु हो चुकी हैं। आज बड़े पैमाने पे जो है कहा ये जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाएंगे, हम सबको जो है शिक्षा पहुंचाएंगे, कहीं दूर है। जब मैं देखता हूं कि पाता हूं कि अध्यापक पूरे नहीं है स्कूलों के अंदर, अन्य जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, तो इससे जो है, और जो अध्यापक हैं उनको पढ़ाने के अलावा अन्य काम दिए जा रहे हैं, चाहे वो वोट बनाने का हो, चाहे वो जो है जनगणना करने का हो, या अन्य कोई सर्वे करवाने का हो, मतलब इस तरीके के काम उनके जिम्मे लगाए जाते हैं ताकि वो शिक्षा से दूर रहें। तो यही हालात जो है स्वास्थ्य के हैं, अगर स्वास्थ्य कर्मी पूरे नहीं आते, चाहे वो वहाँ पे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो अन्य स्ट्रक्चर की बात, हम देखते हैं कि महिलाओं की डिलीवरी अस्पताल के बाहर ही हो जा रही है, या फिर एम्बुलेंस तक जो है उन्हें नहीं मिलती है, हमें साइकिलों पे लाशें ढोते हुए लोग दिखाई देते हैं, या फिर कंधों पे जो है अपने बच्चे को लगा करके तब वो सफ़र कर रहे होते हैं लाश को लेकर के। तो मुझे मेरा ऐसा मानना था और मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर देश को तरक्की करनी है, वाकई में जो है एक बढ़ाना है देश को, तो हमारी जो सरकारें हैं उनको एक तरीके से जिम्मेवारियां लेनी होंगी, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो सरकारी हो और उसके ऊपर पूरा ध्यान और फोकस किया जाए, ताकि देश जब शिक्षित होगा तभी जो है आगे बढ़ पाएगा। मैं यहाँ पे अक्सर कहता होता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनका सपना एक ही था कि हमारा देश जो है सदियों झेली है, वो इस वजह से झेली है क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा पर एक विशेष तबके का कब्जा रहा और बड़ा जो हिस्सा है वो शिक्षा से वंचित रहा, जिस वजह से जब भी कोई आक्रमणकारी आता तो उन्हें भले बुरे की पहचान कर पाने में आसान मुश्किल रहती, जिससे वो जो है आते रहे और यहाँ पे जो है आक्रमण करके यहाँ की जनता को एक तरीके से कब्जे में लेकर के उनकी लूटपाट करते रहे। परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के निर्माताओं का, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर अन्य जो भी लोग थे जो देश के निर्माता थे, उनका सपना एक ही था, हमारा देश जो है वो बेशक से भूखा नंगा रहेगा परंतु देश शिक्षित होगा, परंतु देश के पास संसाधन इतने आज इस तरफ बढ़ा पाए। तो इसलिए आह्वान किया कि जिनके पास ज़मीनें हैं वो स्कूल कॉलेजों के लिए ज़मीनें दान दीजिए, जिनके पास पैसा है वो पैसा दीजिए, और जिनके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है वो मिल करके जो है उसका निर्माण का में सहयोग कीजिए। इस तरीके से जो है हमारे स्कूल कॉलेज खड़े हुए, परंतु आने वाली सरकारों ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज वहाँ पे पूरे अध्यापक नहीं है, पूरे जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से लगातार जो है सरकारी जो क्षेत्र है शिक्षा और स्वास्थ्य का वो लगातार पिछड़ता जा रहा है, और हमारे देश के अंदर हर तबके के पास वो संसाधन नहीं है कि वो प्राइवेट के अंदर अपनी शिक्षा या स्वास्थ्य ले सकें। तो इसलिए जो है मैंने स्लोगन दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य हो सिर्फ गुणवत्तापरक और सिर्फ सरकारी। इसके बाद तीसरा जो है स्लोगन मैंने रखा, किसान बचाओ खेती बचाओ। देखिए, क्योंकि खेती जो है वो किसी
है किसी कंपनी में नहीं हो सकती, वो खेत के अंदर ही हो सकती है। और फिर दूसरी बात जो है, खेती कोई सेठ साहूकार या जमींदार नहीं कर सकता, उसको किसान और मजदूर को ही करना होगा। तो इसलिए किसान को और खेती दोनों को बचाए जाने की ज़रूरत है। मैं बात करता हूँ वो ये कि आज जो है डीजल के रेट बहुत हाई हैं, ट्रैक्टर के अंदर या पानी लगाने के लिए जो इंजन है दोनों के अंदर वो डलता है। अगर उसका रेट इतना हाई होगा तो निश्चित तौर पे किसान की जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां एक तरीके से किसान को लूट का अड्डा बना रखा है, उन्होंने लूट का जरिया बना रखा है। क्यों? क्योंकि बीज पहले किसान अपना बचा के रखता था ताकि उसको अगले साल इस्तेमाल में ला सके, परंतु अब जब कंपनियों से ख़रीदना शुरू किया तो उस बीज को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हर बार जो है नया बीज खरीदना पड़ेगा जिसके पैसे लगते हैं। और बीज वो ऐसे तैयार किए गए हैं अगर उनमें वो रसायन, उनमें वो जहर ना डाला जाए तो वो जो है फसल नहीं होती है। तो इस तरीके से करके बीज खरीदने से लेकर के आगे उसकी परवरिश लगातार किसान का खर्च उसके ऊपर बढ़ता जाता है। और यहीं पे बात नहीं रुकती है, मैंने कहा कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले बहुत लंबे समय से जब भी फसल पक के तैयार होती है सीजनल, तभी जो है अक्सर ओलावृष्टि या फिर जो है भारी बरसात की वजह से किसान की फसल बर्बाद होती है। हालांकि अनुभवों में मेरे को बताना था कि भाई पीछे जो है अभी मैं देख के आ रहा हूँ, चाहे वो MP का किसान हो चाहे वो राजस्थान का किसान हो, वहाँ पे बड़े पैमाने पे सोयाबीन की फसल उनकी पकी पकाई एक तरीके से ख़राब हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान आज अगर सुसाइड कर रहा है तो वो इसीलिए कि उसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है फसल के ऊपर और आमदनी वो कम होती जा रही है। जो उसके सपने हैं एक बेटा या बेटी की जो है शादी करनी है या घर में कोई निर्माण कार्य करना है या अन्य कोई जो है साधन घर के अंदर जोड़ना है, वो सपने के उसके धरे के धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हर साल बड़े पैमाने पे किसानों को अपनी आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने स्लोगन दिया किसान बचाओ और खेती बचाओ। इसके बाद जो है एक स्लोगन है मेरा कि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे से असहमत तो हो सकते हैं कि सभी के हर हाथ को काम कैसे हो सकता है और इसकी जिम्मेवारी कौन ले। तब मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े पैमाने पे जिस तरीके से कल्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है सरकारों के द्वारा, उसमें प्राइवेटाइजेशन को घुसाया जा रहा है, उससे हो क्या रहा है कि लगातार जो है सरकारी महकमों के अंदर जो कर्मचारी हैं वो कम हो, इस तरीके से इसी दर से कम होते रहे तो एक दिन जो है इन पे ताला लग जाएगा पूर्णतः, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही बचेगा। और प्राइवेट सेक्टर जो है कोरोना सेक्टर ने, कोरोना काल ने बताया कि जब बीमारी ऐसी आएंगी या ऐसी सबसे पहले जो है भागने वालों में वो प्राइवेट सेक्टर ही होगा। तब मैं कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर को बचाने की ज़रूरत है। तब यहाँ फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वहाँ का कर्मचारी तो जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जो कर्मचारी है वो तो काम नहीं करके राजी, वो तो निकम्मा है, वो तो घटिया है, उस तो गुस्सैल है, वो तो मतलब उसमें 1993 से लागू हुई है। अगर 1990 के अंदर 10 कर्मचारी थे तो जनसंख्या के अनुपात में आज वो 15 होने चाहिए थे, परंतु आज वो 15 नहीं, वो 10 नहीं बल्कि 3 या 4 हैं। नुकसान कितना हुआ? 90 के हिसाब से वो 6 का नुकसान हुआ और जो है आज के हिसाब से वो 11 का नुकसान हुआ। मतलब ये हुआ कि लगातार जिस तरीके से रिटायरमेंट होती चली गई या डेथ होती चली गई तो उन पदों को दोबारा से भरा नहीं गया, और जहाँ पहले 10 कर्मचारी काम कर रहे थे जहाँ वहाँ पे आज तीन चार लोगों को बैठ के काम करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर उनमें गुस्सा भी, उनमें जो है निकम्मापन भी आएगा। हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि एक इंसान को जब तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ आना स्वाभाविक है। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहता होता हूँ कि हमें जब देखते हैं कि कोई कुत्ता यहाँ पे बैठा है और मैं उसको डंडा मारने निकलूँ तो सामने बैठे हुए लोग कहेंगे कि सर आप पागल हो गए हैं, क्यों इसको मार रहे हैं, अच्छा भला चुपचाप बैठिए। उसके बसरते मैं ये कहूं कि ये पागल है, और तब जो है मैं डंडा मारने जाऊं तो मेरे को डंडा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों ने कहा कि जी हम ही डंडा मार देंगे। तो सरकारों ने सरकारी महकमों के साथ यही किया,
अक वहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगना था, जो लगाना था, जो कर्मचारी लगाने थे वो नहीं लगाए, इसलिए लोगों को हमारा काम समय पे नहीं हो रहा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को ये दिखाई दिया। परंतु वो कौन कर रहा है, वो कर्मचारी दिखाई दिया, वो सरकारें जो पीछे से गड़बड़ कर रही थी वो दिखाई नहीं दी। इसलिए हम जब देना बैंक में गए तो देना बैंक में जब हमारे को जाते ही गुड मॉर्निंग इवनिंग हुई की गई, उसके बाद पानी दिया गया और पानी के बाद पूछा गया कि आप कॉफ़ी लेंगे या फिर ठंडा लेंगे। तब जो है हमने आकर के बाहर जितने हमारे को आव भगत मिली उससे ज़्यादा का प्रचार किया। SBI में गए तो हमने कहा अग वहाँ तो हमारे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हमारा समय खराब किया गया, हमारे से सही से किसी ने बात नहीं की। परंतु हमने ये नहीं देखा अग उस SBI में कर्मचारी कितने हैं, जबकि वहाँ पे पब्लिक कितनी है। इसी तरीके से देना बैंक में कर्मचारी कितने हैं और वहाँ पे पब्लिक कितनी है, वो सारी चीज़ें हमने हमें दिखाई नहीं। क्या हुआ, वो देने की बजाय लेकर के फुर हो गया, ये भी हमारे से किसी से छुपा नहीं है। तो इसीलिए हमें सरकारों की साजिश से समझ करके एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को बचाने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया कि आज रेलवे बिक रहा है, जब जहाज़ बिके थे तब तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि बड़े पैमाने पे इस देश का नागरिक जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता है। परंतु मैंने पूछा आज जब रेल प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है तब तुम्हारे ऊपर क्या असर आएगा। तो युवाओं ने कहा कि देश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा रोज़गार कहीं था तो वो रेलवे के अंदर था या आर्मी के अंदर था। और जब भी किसी दूसरे नौजवान से भी बात कर लो तो हर दूसरा नौजवान आपको रेलवे के लिए तैयारी करता हुआ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से हमारा रोज़गार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने मज़दूरों से पूछा आप हरियाणा पंजाब में जब जाते हैं मजदूरी के लिए तो कितने रुपये में पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम 300-350 रुपये में पहुँच जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप जब ये प्राइवेट हो जाएगी तब कितना खर्चा लगेगा, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई। मैंने पूछा मैंने थोड़ा सा उनका आसान किया, मैंने पूछा कि प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों की फ़ीस कितनी लगती है। तो किसी ने 1000 बताया, किसी ने 1200 बताया, किसी ने 500 बताया। तो मैंने कहा सरकारी स्कूल में फ़ीस कितना लगता है। तो किसी ने 2 रुपये बताया, किसी ने फ्री बताया, किसी ने 5 बताया। तो मैंने कहा अब अंदाज़ा लगाइए। तो उन्होंने कहा सर फिर तो किराए के, रेलवे के किराए के हरियाणा पंजाब जाने के लिए। तो मैंने कहा क्या दे पाओगे आप ये। तो उन्होंने कहा सर अगर 3-4 हज़ार रुपये हमारी जेब में होते किराया देने को तो हम जर्नल डिब्बों में क्यों जो है भेड़ बकरियों की तरह से उस में घुस के जाते, हम क्यों जो है एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह आड़ा करके तब हम जाते, क्यों इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है हम खड़े खड़े तय करते, क्यों हम जो है अपने परनों को बांध करके उसमें बच्चे की तरह से घुस करके तब जाते, क्यों टॉयलेट बाथरूम में हम सफ़र करते, हम भी रिजर्व का टिकट लेकर के तब जाते, या फिर जो है अगर 3-4 हज़ार की बात है तो फिर हम जहाज से ही मजदूरी करने के लिए जाते। हम नहीं जा पाए सही अच्छे तरीके से तो उसका रीज़न यही था कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आपको गवर्नमेंट सेक्टर को बचाने की ज़रूरत है, वो रोज़गार के लिए भी और सुविधाओं के लिए भी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को रोज़गार नहीं मिल सकता, बहुत सारे लोग बच जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बच जाएंगे, जब हमारे देश के लोग अगर चंद लोगों को इतना बड़े पैमाने पे लोन दे करके यहाँ से भगा सकते हैं, तो फिर मैंने कहा कि युवाओं को 50,000-1,50,000 रुपया पैसा लोन के रूप में देने में क्या परेशानी है। वो जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो फिर बहुत सारी उसको कागजी कार्रवाई के लिए कहते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं, और आखिर जो है निराश होकर के उसको बगैर लोन के ही बैठना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि जब उसको 50,000-1,50,000 रुपया लोन दिया जाएगा तो फिर जो है वो क्या करेगा, वो अपना जर्नल स्टोर करेगा, वो लोहार का काम करेगा, वो सुनार का काम करेगा, वो कारपेंटर का काम करेगा, वो कुछ और काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो है क्राइम रेट नीचे आएगा। और क्राइम रेट आज इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, युवाओं के जो है दिमाग और हाथ जो है वो खाली हैं, तो वो शैतानी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कहा वो लोन की प्रक्रिया आसान की जाएगी तो निश्चित तौर पे जो है हर हाथ को काम मिलना रोजगार सरकारी रोज़गार के बाद संभव हो पाएगा। इससे आगे भी मैंने बढ़ के कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम कानून इतना शानदार जो है 2005 के अंदर लेके आया गया कि उसमें जो है हैंडीकैप को भी रोज़गार मिलना था, उसमें बुजुर्ग को भी जो है रोज़गार मिलना था, उसमें जो है अन्य जो तबके थे खास तौर पर महिलाएं उनको भी गांव की गांव में रोज़गार मिलना था,
क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है आज बहुत सी बच्चा साथ होने की वजह से काम नहीं कर पाती हैं, परंतु मनरेगा के अंदर उसको काम करने में आसानी होती है क्योंकि बच्चे को रखने के लिए वहां कोई होता, या फिर जो पढ़ा लिखा युवा है उसको वहां पर रोजगार मिलता क्योंकि वह मैट का या रोजगार सहायक का या अन्य काम वो उसमें कर सकता था, परंतु उसको आज जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया या फिर उसकी ठीक तरीके से प्लानिंग नहीं की जाती, इसलिए जो है इंसानों को काम देने के बजाय जेसीबी से करवाना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो मैंने कहा तीनों तरीके से जब रोजगार शुरू होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो लोन की प्रक्रिया आसान करके हो अपना स्वरोजगार शुरू करके, या फिर जो है तीसरा मनरेगा जैसी स्कीमों कानून को अच्छे से लागू करके हर हाथ को रोजगार देने का काम किया जा सकता है। इस तरीके से मैंने देश के इन 12 राज्यों में लगातार जो है लोगों से संपर्क किया, बात मैंने अनुभव के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है किसी संस्था, किसी व्यक्ति, किसी जो है राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना था कि मैं उन लोगों तक पहुँचूँगा जिन लोगों तक कोई नहीं पहुँचता है। उन लोगों से जाकर मेरी तरफ देखते तो उनकी मनसा ये रहती, वो सोचते कि शायद ये जो है या तो कुछ बेचने आया है या कुछ मांगने आया है। तो मैं कहता ना कुछ बेचने आया हूँ ना कुछ मांगने आया हूँ, सिर्फ बात करने आया हूँ। वो लोग पूछते कहाँ से आए हैं, मैंने कहा कि हरियाणा से। तो वो कहते अच्छा इतनी दूर से हमारे से सिर्फ बात करने आए हो। तो उसके बाद उनमें उत्साह आता और वह आसपास के जो है 50-60 लोगों को या 10 लोगों को या 20 लोगों को, यानी कि संख्या जो है वरी करती रही, वो इकट्ठा कर लेते और उसके बाद फिर जो है इन मुद्दों पे मैं बात करता। जब मैं वाराणसी के अंदर था तो भारत ज्ञान विज्ञान समिति BGVS के ऑल इंडिया सेक्रेटरी काशीदा, उनका डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी, उनका मेरे को कॉल आया कि विजेंद्र जी आप जो है अभी तक अच्छा कर रहे हैं और पता है कि आप जो है वापस भी नहीं जाएंगे, आपने जो जिद ठानी है कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके इन मुद्दों पे बात करूंगा, तो हमारे समझाने का ये कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वापस घर चले जाओ, परंतु हम आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो है अब अकेला सफ़र कर रहे थे उसको अकेला करने के बजाय आपको जागरूक जो समाज के लोग हैं उनकी मदद लेनी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कोरोना हो सकता है आपको नुकसान ना पहुंचाए, परंतु शिक्षा माफिया या स्वास्थ्य माफिया या समाज का अन्य जो खराब हिस्सा है वो आपको निश्चित तौर पे कोई चोट पहुंचा सकता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी इस देश का बहुत सारी संभावनाएं हैं वो इस तरीके से किसी की भेंट चढ़ जाए। तो मुझे उनकी बात पसंद आई और उसके बाद जो है चाहे वो बिहार रहा हो या उसके बाद के जितने भी राज्य आए, तो इस तरीके से जो है समाज के अलग अलग जागरूक लोगों ने उसमें मेरी मदद सफ़र के अंदर की, तो मैं जो है इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। जहाँ तक अन्य और अनुभवों की बात है तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको कोई परेशानियाँ तो नहीं आई, तो क्योंकि देश पहले से ही निराशा में था, घरों के अंदर बंद था, तो मैंने इसलिए जो है जब भी किसी भी चाहे वो पेज से, किसी भी चाहे वो ग्रुप से या किसी भी जो है आईडी से जब भी किसी ने मुझे करवाया तो मैंने कोशिश किया कि मैं जो है कम से कम जो है अपनी परेशानियों को बताऊं। क्यों? क्योंकि मेरी मनसा वही थी अगर देश जो है पहले से ही परेशानियों में है, युवा जो है वो घरों में कैद है या जो है बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं, तो इसलिए अगर मैं भी इस तरीके से जा करके लोगों को बताऊंगा कि अभी ये परेशानियां तो उससे जो है जो जुड़ना है मेरे साथ वो नहीं जुड़ पाएंगे, कहेंगे कि भाई एक और परेशानी बताने वाला हमारे बीच में आ गया। तो मैंने जो अच्छा अच्छा है वही बताया और दिखाया लोगों को, और लोगों ने जो है मुझे अथाह प्यार दिया, लोगों को देख करके अच्छा लगा। क्योंकि लोग जो है अभी तक होता क्या था, अगर वो टोंक आएंगे, जयपुर जाएंगे, कोटा जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो बड़ी जगहों पे जाएंगे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो कोई भी रमणीय एक जगह हो, वहाँ पे लोग जो है दूर मतलब उन जगहों पे जा पाएंगे, परंतु देश का जो गाँव है उसमें वो कभी नहीं जा पाते। तो जब मैं गाँव गया, गाँव जा करके लोगों से रूबरू लोगों को करवाया, तो देखने वालों ने कहा अरे वाह विजेंद्र जी, सही में जो है गांधी जी कहते थे कि देश की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है।
वाकई में जहां हम कभी नहीं पहुंच पाते, आपने लाइव के माध्यम से या फिर जो है डेली जो मैं शाम को पोस्ट डालता हूं, लिखता हूं, उसके माध्यम से जब मैंने भारत दिखाया तो लोगों ने कहा कि वाकई में वाह क्या भारत है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है प्राकृतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, मतलब जो भी भिन्नताएं हैं, बहुत सारी भिन्नताएं हैं हमारे देश के अंदर, वो सारी भिन्नताएं जब मिल करके एक गुलदस्ता तैयार करती हैं तो वो किसी बगीचे से कम नहीं होता जिसमें भांत भांत के फूल खिले हुए हैं। और वो खुशबू जो है लोगों ने महसूस की, और वो खुशबू महसूस करने के बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी किया। उन्होंने कहा कि विजेंद्र जी आप अकेले चले गए, हमें साथ क्यों नहीं लिया, हमें साथ जरूर रहते आप, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे क्या नाम दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने मुझे ये। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं टोकता तो मैं कहता तो तुम्हारे पास उस समय हजारों बहाने होते, कोरोना है, बीवी नहीं जाने दे रही, माँ मना कर रही है, पैसा नहीं है, कुछ भी है। परंतु आज जब आप देख रहे हैं तो अपने आप ही जो है एहसास और महसूस कर रहे हैं कि हमें देश के विभिन्न हिस्सों में जा करके लोगों से मिलना और बात करना चाहिए और उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों ने कहा कि आपने जो ठाना है कि अकेले जो है पूरे देश में जाना है तो आप उस पर विराम लगाइए और आप फर्स्ट चरण में इस देश की जो यात्रा आप कर रहे हैं उसको रोकिए और उसके बाद जो है सेकेंड चरण वो आप तैयार कीजिए, उसमें हम आपके साथ रहेंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि 21 लोगों ने उसमें यह हुआ है जो मेरे साथ साउथ की यात्रा पे जाएंगे। 12 लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अपना नाम दिया हुआ है जो मेरे साथ यात्रा पे जाने के लिए तैयार हैं। दुर्ग भी हैं जो इस तरीके से भारत की यात्रा करना चाहते हैं, वो गांव-गांव जाना चाहते हैं, युवाओं से, किसानों से, महिलाओं से, डॉक्टर से, इंजीनियर से और अलग अलग हिस्सों से जो है वो बात करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपकी तरह से हम बाइक पे नहीं जा सकते परंतु कार में जाएंगे और आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका जोश, आपका लोगों से जुड़ जाने का तरीका जो है हमें पसंद आ रहा है, हमें पसंद आ रहा है, इसलिए जो है आपको चौथी यात्रा भी हमारे साथ करनी होगी। तो वो मैं करूँगा। उसके बाद जो है एक मैंने यात्रा जो है मैंने खुला पत्र अपनी बेटी जो 4.5 साल की उसके नाम लिखा कि मेरी बेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि वो मजदूर रहेगी, वो किसान बनेगी या फिर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगी। परंतु उससे मैं एक उम्मीद करूँगा कि जब वो 18 साल की 19 साल की हो जाएगी तब उसका जब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो वो एक यात्रा जो है इसी तरीके से देश की करेगी। और तब जो है शायद मैं आज 35 का हूँ तो तब तक कुछ बूढ़ा हो जाऊँ शारीरिक तौर पर, परंतु मैं चाहूँगा कि मैं वो मेरी बेटी यात्रा भी करे और मैं मानसिक तौर पर उतना ही मजबूत रहूँ जितना आज हूँ और हम दोनों पापा बेटी जो है वो इस देश की यात्रा करें। तो ये एक सपना जो है मैंने रखा और पाँचवीं यात्रा के लिए समय वो निर्धारित किया। तो इस तरीके से ये अनुभव जो है मुझसे जुड़ते चले गए। अब जो है बात आती है कि जब ये यात्रा शुरू की और यात्रा के बाद जो है आगे की किस तरीके का रहेगा, परंतु उससे पहले मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं कि निकला क्या, इससे समाज को मिला क्या, इससे जो है क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो भी जुड़े हैं या जो भी देखेंगे या देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं कोई बड़े बदलाव के लिए निकलूं। मेरी सिर्फ पहली मंशा तो यही थी कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और लोगों से जाकर के मैं बात करूं, उसमें से कोई मेरी बात समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो भी ठीक है, कम से कम ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने कुछ प्रयास किया। तो इसी मंशा के साथ जो है मैंने ये यात्रा शुरू की थी, परंतु क्योंकि मुझे दूसरे तीसरे दिन से ही लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया, वो सोशल मीडिया ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स थे, चाहे डॉक्टर्स थे या फिर अन्य तबकों के लोग थे, उन्होंने मुझे क्रांतिकारी कहा, उन्होंने भगत सिंह का वारिस कहा, मुझे जो है आगे बढ़ा हुआ युवा कहा, उन्होंने बहुत से तरीके से जो है मुझे मोटिवेट किया। और मैंने तब कहा प्लीज़ इस देश में उम्मीदें लगाना किसी से भी वो आसान है, परंतु उन उम्मीदों को बनाए रखना या उन उम्मीदों पर खरा उतरना उतना ही मुश्किल है। तो इसलिए कृपया मुझसे उम्मीदें मत लगाइए, हाँ कुछ अगर अचीव हो जाए उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या हो सकता है। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आपकी जो आग है, आपका जो जोश है वो दिखाई दे रहा है और हमें लगता है कि आप कुछ करेंगे। तो अभी मैंने
नहीं लिया और मैं अपने काम पे लगा रहा। तो फिर मैंने शुरू में ही बताया कि मैं ज़्यादा सा कुछ सोच नहीं रहा था, सिर्फ ये सोच रहा था कि मुझ जैसे सिर्फ ये जो है एक दो और तैयार हो जाए। तो मेरे साथ जो है, जब मैं लोगों के बीच में गया, जब लोगों के बीच में गया, क्योंकि मैंने पहले बताया कि भाई लोगों के अंदर थी वो रोजगार जाने की हताशा थी, वो घरों में कैद रहने की हताशा थी, वो जो है अन्य जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगियों में समस्याएं थी वो थी, उसकी वजह से जो है लोग जो है धीरे धीरे करके अपने आप को मानसिक तौर पे काफी कमजोर पा रहे थे, शारीरिक तौर पे काफी कमजोर पा रहे थे। परंतु जब उन्होंने देखा सीडी डिलक्स जैसी बाइक जो बहुत पुरानी है उसके ऊपर एक नौजवान जो शरीर में भी कोई ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं है वो इतनी दूर चल के हमारे से बात करने, हमारे को जगाने आया है, तो निश्चित तौर पे हम लोग तो यहाँ आसपास में ही कुछ बदलाव के लिए काम कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। जब ये देखा तो वो निकले, तमाम जो भी कोविड से बचाव के लिए संसाधन चाहिए थे, चाहे वो मास्क लगाने की बात थी, चाहे वो डिस्टेंस बना के रखने की बात थी, चाहे वो जो है हैंड वॉश करने की बात थी, वो तमाम चीज़ों को अपनाते हुए लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। वो मीटिंगों में भी शामिल हुए, वो जो है कुछ पहल करने की तरफ भी बढ़े। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम आपकी तरह से जो है इस तरीके से पूरे देश का भ्रमण नहीं लगा सकते। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित तौर पे नहीं लगा सकते, परंतु पास में जो है किसी जो भी युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में जा करके मीटिंगें करके तो भी ये सारे संदेश या फिर जो बातें आप लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने वो करना शुरू किया। इसके अलावा जब मैं एक मीटिंग कर रहा था तो उसमें एक टीचर थे देवेंद्र, उनका भी नाम देवेंद्र ही था, तो उन्होंने कहा कि सर हम जो लड़की ज्योति है वो हरियाणा से अपने पिताजी को बिठा करके साइकिल पर वो यहाँ बिहार में पहुँची है, और हमारे से सोच रुपये उसको सम्मानित हम करना चाहते थे अपने मंच अम्बेडकर मंच के माध्यम से, परंतु हम कोरोना के डर से जो है नहीं जा पा रहे थे। परंतु अब आपको देखा है तो पहले उसको सम्मानित करने जाएंगे और कल से ही जो है जो हमारी युवाओं की टीम है वो लोगों के बीच में जाकर के जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके अलावा जो है जब मैं एक टीचर्स की कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम भी इस तरीके के प्रयास करेंगे। मैं जब देखता हूँ हरियाणा के अंदर एक जेई जो गाड़ी से अपने ऑफिस जाता था, बीएसएनएल का जो जेई है वो गाड़ी से ऑफिस जाता था, परंतु उसने एक पहल शुरू की कि वो अब जो है साइकिल से जाता है और आगे स्लोगन लगा रखा होता है कि क्या हर शिक्षा और स्वास्थ्य हो गुणवत्तापरक और सिर्फ सरकारी। एक डॉक्टर जो है डॉक्टर दीप्ति बलहरा जो अभी तक गाड़ी से ऑफिस जाती थी परंतु अब जो है वो साइकिल से जाती है और आगे स्लोगन लगा रखा होता है कि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। इस तरीके के ये बदलाव जो है धीरे धीरे करके आने शुरू हुए। सोनीपत से एक किसान का फ़ोन आया, सुमेर सांगवान उनका नाम था, उनका फ़ोन आया अक्सर आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी तरह से हम प्रदेश में नहीं जा सकते, परंतु हम जो है कल से ही अपने जो भी जिला है उस जिले के अंदर गाँव जाएंगे और लोगों को चेताने का काम करेंगे। मेरे को अच्छा लगा, युवाओं ने जो है पहल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जब मैं जब मुद्दा आधारित चीज़ों पे बात कर रहा था तो साथ में जो है लोगों का सवाल आता था कि सर हम जो है सरकारों को कैसे बदल सकते हैं कि वो जो करें रोजगार को जो है वो ठीक करना शुरू करें, कब हम कैसे चिता सकते हैं। मैंने कहा संगठित हो, संघर्ष करना ही एकमात्र विकल्प है। लोगों ने कहा कि जी हम तो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे या पता नहीं किस किस नाम पे बटे हुए हैं, हम कैसे संगठित और एक हो सकते हैं। तो मैंने कहा तब भी जो है संगठित होना संघर्ष एकमात्र विकल्प है, परंतु सोशल मीडिया का जब हम ठीक उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे भी एक बदलाव आएगा। लोगों ने कहा कैसे, मैंने कहा अभी तक यूथ जो है पबजी या लूडो या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे घंटों बिता रहा है, परंतु उसके बिताने के साथ साथ जो है वो पूरे दिन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करनी शुरू कर दे तो एक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा अभी तक आप सेल्फी लेते हैं, मैं कह रहा हूँ अब जो है आपको अपनी सेल्फी जो है एक डिग्री के साथ लेनी चाहिए और नीचे कैप्शन में लिखना चाहिए कि निकम्मी और घटिया सरकारें जो है हमें रोजगार दे पाने में असक्षम है। युवाओं ने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा एक लगाएगा 50 देखेंगे, 50 लगाएंगे, 5000 देखेंगे, 5000 लगाएंगे तो लाखों देखेंगे।
के मुंह पे तमाचा होगा जो कहते हैं कि ये बेरोजगार जो हैं वो इन अपने निकम्मेपन की वजह से बेरोजगार हैं, ये काम खुद नहीं करते हैं इसलिए बेरोजगार हैं। जब आप डिग्रियां लगाएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन दिखाएंगे, आप जो है अपनी क्षमताएं दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको जागना पड़ेगा। मैंने कहा इससे आगे भी बढ़ने की जरूरत है। इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हमें गंदी गलियां, नालियां, अपने आसपास के जो वातावरण है, आपके घरों के में क्योंकि कम जगह पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो लाइब्रेरी की जो व्यवस्था की बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कीजिए, एक बदलाव आएगा आएगा। तो इस तरीके से करके मैंने लोगों से बात किया और वो जुड़ाव जो है होता चला गया। लोगों ने लिखा, युवाओं ने लिखा, अगर मैं भी बेरोजगार, क्योंकि अभी तक वो लिख रहे थे मैं भी चौकीदार, अब उन्होंने लिखा मैं भी बेरोजगार, तो मुझे एक तरीके से खुशी महसूस हुई। एक बदलाव की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं और ये तो एक बड़ा बदलाव मैंने बताया ही। अकमा चला अकेला था, आज 21 की एक टीम और 12 की एक टीम और 4 की एक टीम जो है नज़र आती है। सोशल मीडिया पे लगातार बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जो मेरी बात है वो जन जन तक पहुंच रहे हैं। एक जो मेरे को परेशानी आई और उस परेशानी में भी जो अच्छा हुआ कि मैं कहीं पर भी मीडिया का यूज नहीं कर रहा था। मीडिया का यूज इसलिए नहीं कर रहा था ताकि मेरे को लोगों कहीं प्रशासन रोक ना दे, सरकारें जो है मुझे रोक ना दें अगर मैं मीडिया के अंदर आऊँगा तो। परंतु जब मैं आंध्रा के अंदर गया और मुझे भाषा की समस्या आई, जब मैं लोगों से संवाद नहीं कर पा रहा था, गांव में जाके लोगों से नहीं बोल पा रहा था, मिल पा रहा था, उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा था, तब मैंने पहली बार जो है मीडिया का यूज किया। मीडिया से मैं रूबरू हुआ और मीडिया ने मुझे उतना ही सिर आँखों पर लिया और जो है चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द हंस इंडिया हो, के स्थानीय जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, उन्होंने मुझे बेहतरीन तरीके से जो है कवर किया और मेरी बात को जो है पूरे आंध्र प्रदेश में पहुँचाने का काम किया। इसके अलावा जो है बाद में जहाँ पर भी गया मैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ गया, चाहे वो MP गया, वहाँ की मीडिया ने भी उसी तरीके से लिया और मेरे को जो है तमाम लोगों तक पहुँचाने का काम किया, मेरे मुद्दों को जो है वो जन मुद्दे बनाने में एक सहयोग किया। तो इस तरीके से मीडिया ने उसमें एक बड़ा योगदान दिया। कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ और भी आई, वो चाहे मथुरा के अंदर मेरी बाइक के अंदर तेल की जगह पानी डाल देना हो, परंतु आगरा के अंदर जब वो बाइक ठीक की गई हीरो एजेंसी ने, तो उन्होंने जो है उसको ठीक किया, उन्होंने कहा कि जी आप अच्छे काम के लिए निकले हैं तो फिर जो है आपके से पैसे नहीं लेंगे, आपसे जो आप सिर्फ पार्ट डलेंगे सिर्फ उसी का चार्जेज लेंगे। तो 3-4 घंटे में जो ठीक करने में लगा उसका उन्होंने कोई लेबर नहीं लिया, बल्कि जो है वहाँ के SM पवन शर्मा जी, उन्होंने कहा कि जी UP के अंदर कहीं पर भी आपकी बाइक ख़राब होगी तो ठीक करने का काम करवाएंगी। उसके अलावा जो है पूरे भारत में मैं घूमा हूँ, जब 12 राज्यों में, तो कहीं पे भी इस तरीके की परेशानी का मुझे सामना नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये यात्रा जैसे शुरू की मैंने अकेले ने, आगे जो है ये कारवां बढ़ता चला गया, अलग अलग अच्छे और बहुत ही प्यारे लोगों का जो है साथ मेरे को मिलता चला गया। और मैं कह सकता हूँ कि जो मुहिम जो है बहुत छोटे स्तर पर शुरू की थी, आज वो जो है एक जनमुद्दों का रूप ले चुकी है। अलग अलग जगहों पे लोग जो है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो इसीलिए जो है मैं तमाम लोगों का, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो संस्थाओं के लोग हों, क्यों संस्थाओं के, इसलिए कि मैंने बताया कि मैं अकेला था, परंतु बाद में जो है मेरे साथ राष्ट्रीय सत्र का संगठन भारत ज्ञान विज्ञान समिति वो जुड़ गया। उसके बाद जो है सरकारी अध्यापकों का एक संगठन है नवोदय क्रांति परिवार, वो मेरे साथ जुड़ गया। गांधी जी और सीमांत गांधी जी के नाम से चलने वाला जो है एक संगठन जो भी वो भी राष्ट्रीय है, वो मेरे साथ जुड़ा। और 3-4 दिन पहले जो है भारतीय कलाकार संघ, वो भी मेरे साथ जुड़ा और उन्होंने कहा कि जी आपके मुद्दे जो है वो जनहितैषी हैं, इन मुद्दों के साथ मिल करके हम काम करना चाहते हैं और करेंगे। तो इस तरीके से करके जो है मेरे को लगातार लोगों का सहयोग मिलता गया। महाराष्ट्र का एक अच्छा संगठन समता सैनिक दल, वो मेरे साथ जुड़ा। तो इस तरीके से ये कारवां जो है लगातार बढ़ता चला गया और ये यात्रा जो है अभी लगातार अपने चरम पे है और आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों अभी आगे का जो मेरा कार्यक्रम है तो उसमें मैं बताता चलूँ, आज टोंक के अंदर हूँ, शाम तक जो है मैं जयपुर पहुँच जाऊँगा और कल बहरोड होते हुए
हरियाणा के अंदर मैं घुस जाऊंगा और हरियाणा में चरखी दादरी में स्टे करके एक दिन, और उसके बाद जो है रोहतक के अंदर फर्स्ट चरण का मैं इसको 3 तारीख को समापन कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आगामी कार्यक्रम आप लोगों को बताई ही है कि इसको जो है एक यात्रा और की जाएगी, वो रहेगी साउथ की, जिसमें लगातार जो है दिल्ली के नाम बढ़ रहे हैं। तो आप भी जो भी इसमें चाहते हैं लोग जुड़ना, तो उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। और तीसरी यात्रा जो है वो नॉर्थ ईस्ट की रहेगी, उसमें 12 लोगों के नाम अभी तक आए हैं, वो लगातार वो भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी जो शामिल होना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और चौथी यात्रा जो है वो थोड़े से उम्रदराज लोगों के साथ रहेगी, वो कार के अंदर रहेगी, तो उसमें भी लोग जो है साथ में जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके के आगे का आगामी कार्यक्रम ये रहेंगे। इसके अलावा जो है वापस हरियाणा जा करके भी मैं चुप बैठने की नहीं सोच रहा हूँ। जो भी समय मेरा रहेगा उस समय में मैं जो है चाहे वो सत्याग्रह की बात हो, चाहे वो जो है आंदोलन का रूप तैयार करने की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य बाजार की वस्तु ना मान करके उसको जो है बुनियादी हक मान करके और सरकारों की जिम्मेवारी समझ करके, इसलिए जो है उसके ऊपर लगातार काम और संघर्ष वो जारी रहेगा। इसी उम्मीद और आस के साथ जो है मैं आज का ये लाइव कार्यक्रम देवेंद्र जी और जन सरोकार मंच टोंक दोनों को ही धन्यवाद आभार।